हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल के हेल इन अ सेल पेपर व्यू में हमें 3 हेल इन अ सेल मैचेस देखने को मिलने वाले और सभी चैंपियनशिप के लिए होने वाले। और आप सब यही जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आखिरकार इन तीनों मैचेस के रिजल्ट्स क्या कुछ रहने वाले हैं। तो आप सबको बता दूं, शायद से ये सामने निकल कर आ चुका है कि इन तीनों मैचेस के रिजल्ट्स क्या कुछ रहने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं और साथ ही साथ बात करूंगा एक और मैच के बारे में जो कि ऐड हो चुका है हेल इन अ सेल पेपर व्यू में। इसके अलावा रेट्रीब्यूशन के फील्ड से बदला लेने के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम रेट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, इस वीक के रॉ में एक तरह से WWE ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया रेट्रीब्यूशन को, क्योंकि जहां WWE पहले ये दिखा रहे थे कि इस टीम को कोई भी रोक नहीं पा रहा है और फिंड ने अकेले पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम सब ने सोचा था कि अब मुस्तफा अली ऐड हो चुके हैं रेट्रीब्यूशन में तो उनके साथ काफी कुछ अच्छा होने वाला है, बट इसे देखकर तो यही लग रहा है कि WWE मुस्तफा अली को वापस वहीं पहुंचा देगी। बट रेट्रीब्यूशन के मेंबर जो कि है टी बार, उन्होंने एक तरह से वार्निंग दे दिया फिंड ब्रे वाइट को कि वो उनसे रिवेंज लेकर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये थिंक कही कि इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला, यानी कि रेट्रीब्यूशन डेफिनेटली से ट्राई करने वाली फिंड से बदला लेने के। इसलिए लेट्स सी कि क्या वो फिंड से अपना बदला ले पाते हैं या फिर फिंड उन्हें वापस से कर देते हैं डिस्ट्रॉय। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में जो कि जुड़ी है हेल इन अ सेल से रिलेटेड, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक और मैच के बारे में जो कि ऐड हो चुका है इस पेपर व्यू में, तो वो है जेफ हार्डी वर्सेस अलायंस का मैच। तो आप सबको पता ही है अलायंस का आज काफी गजब का कॉन्सर्ट हमें देखने को मिला, जहां पर उन पर जेफ हार्डी ने अटैक करने की कोशिश की एंड बैक स्टेज उन्होंने चैलेंज कर दिया जेफ हार्डी को एक मैच के लिए। और इस चैलेंज को जेफ हार्डी ने रॉ टॉक में एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इन दोनों का मैच अब ऑफिशियल हो चुका है हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए। तो अब बात की जाए इसके अलावा होने वाले चैंपियनशिप मैचेस में हमें क्या कुछ रिजल्ट्स रहते हुए देख सकते हैं, तो आप सबको बता दूं सारे मैचेस के बैटिंग ऑड्स हो चुके हैं रिवील। और आप सब जानते हैं ये बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम रिजल्ट्स रहते हैं किसी पेपर व्यू के। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं WWE चैंपियनशिप मैच से, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है स्कॉटी साइकोपैथ ड्रू मैकएंटायर वर्सेस लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बीच। अब आप सब जानते हैं इनके बीच हमें थर्ड टाइम यहाँ पर मैच देखने को मिलने वाला है और सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से यहाँ पर हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है, बट बैटिंग ऑड्स यहाँ पर हमें कुछ और ही कह रही है, क्योंकि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रू मैकएंटायर हराने वाले हैं रैंडी ऑर्टन को एंड वो रिटेन कर लेंगे अपनी WWE चैंपियनशिप। इसके अलावा बात कर लीजिए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच साशा बैंक्स वर्सेस बेली के बीच। तो इस मैच के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड सभी यही जानना चाहते हैं कि यहां पर जीत किसकी होने वाली है। तो आप सबको बता दूं इस मैच का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि यहां पर साशा बैंक्स आगे है बेली से, यानी कि इस मैच में साशा बैंक्स शायद से हराने वाली है बेली को और वो हमें बनते हुए दिखेगी हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इसलिए लेट्स सी कि क्या हेल इन अ सेल वो जगह होने वाली है जहां पर हमें बेली के पास से जाते हुए दिख सकती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके अलावा बात कर ली जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट मैच के बारे में जो कि हमें देखने को मिलने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच हेल इन अ सेल के अंदर, और ये होने वाला एक आई क्विट मैच जो कि होगा रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच। अब इस मैच में जब इतनी सारी स्टिपुलेशन है इसलिए सभी इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं बात कर ली जाए बैटिंग ऑड्स की, सभी को पता है यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस रिटेन करने वाले हैं अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस यही थे वो हेल इन अ सेल में होने वाले 3 चैंपियनशिप मैचेस जिसके बैटिंग ऑड्स सामने निकल कर आ चुके हैं। इसलिए लेट्स सी कि क्या बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ही सारे रिजल्ट्स रहते हैं या फिर हमें किसी मैच में मिलते हुए दिख सकता है एक काफी बड़ा शॉक। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आपको क्या लगता है इन तीनों में से किस मैच के रिजल्ट्स बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग नहीं जाने वाली। इसके अलावा मुस्तफा अली एंड द रेट्रीब्यूशन को क्या आप द फिंड से रिवेंज लेते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।